सब्सक्राइब करें गिज़्मो ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं गिज़्मो ज्ञान। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं Redmi 4 और Lenovo K6 Power के बीच। जैसे कि हम सब जानते हैं 10,000 से नीचे के बजट सेगमेंट में Xiaomi का Redmi 4 कितना पॉपुलर स्मार्टफोन है। एवरी वीक ये हमें फ्लैश सेल में मिलता है। बहुत से लोग इसे बाय नहीं कर पाते क्योंकि ये फोन बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और जो Lenovo K6 Power है वो भी हमें 10,000 की रेंज में मिल जाता है। और ये फोन लेने के लिए आपको फ्लैश सेल का वेट नहीं करना पड़ता, ये फोन Flipkart पे अवेलेबल है, आप कभी भी इसे ले सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि Redmi 4 नहीं मिला तो अब Lenovo K6 Power ले लिया जाए, तो आप ये वीडियो देखते रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको Redmi 4 की नेक्स्ट सेल का वेट करना चाहिए या आपको Flipkart से Lenovo K6 Power बाय कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन की। दोनों ही फोन का डिजाइन बढ़िया है, दोनों में आपको यूनिबॉडी मेटल डिजाइन मिलता है। बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही फोन बहुत बढ़िया है। इस बजट में आपको बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। दोनों ही फोन में राइट साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड में सिम कार्ड ट्रे दी गई है। Redmi 4 में हमें ऊपर की साइड 3.5mm जैक मिलता है और सेकेंडरी माइक्रोफोन, और Xiaomi के बाकी फोन की तरह IR ब्लास्टर इसमें भी आपको दिया गया है। और Lenovo K6 Power में ऊपर आपको 3.5mm जैक और माइक्रो USB पोर्ट मिलता है। Redmi 4 में नीचे आपको माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए। डबल ग्रिल दी गई है, एक में स्पीकर है और दूसरे में माइक्रोफोन। और Lenovo K6 Power में नीचे ओनली माइक्रोफोन मिलता है। दोनों ही फोन के फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कॉलिंग के लिए स्पीकर और नीचे टच कैपेसिटिव बटन भी दिए गए हैं। दोनों में आपको LED नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है। Redmi 4 की बैक साइड पे आपको कैमरा मिलता है सिंगल टोन LED फ्लैश के साथ, और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बैक साइड पे दिया गया है। और Lenovo K6 Power में भी बैक साइड पे कैमरा दिया गया है सिंगल टोन LED फ्लैश के साथ। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको मिलता है बैक साइड पे और सेकेंडरी माइक्रोफोन, और साथ में इसमें स्पीकर भी बैक साइड पे दिए गए हैं जो कि ड्यूअल स्पीकर्स हैं, और इसमें डॉल्बी एटमोस साउंड का सपोर्ट भी आपको दिया गया है। Redmi 4 में हमें सिंगल स्पीकर मिलता है, तो साउंड क्वालिटी आपको K6 Power में बहुत बढ़िया मिलने वाली है Redmi 4 से। ऐसा नहीं है कि Redmi 4 की साउंड क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, Redmi 4 की साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, बट साउंड क्वालिटी के मामले में Lenovo इससे बेटर है। प्रोसेसर Redmi 4 में आपको Snapdragon 435 दिया गया है और Lenovo K6 Power में हमें Snapdragon 430 मिलता है। तो प्रोसेसर में Redmi 4 आगे है, बट आपको Snapdragon 430 के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Redmi 3S में भी हमें Snapdragon 430 मिलता था। डिस्प्ले की बात करें तो Redmi 4 में 5 इंच HD IPS 720p डिस्प्ले मिलता है। यहाँ Lenovo K6 Power आगे है क्योंकि K6 Power में हमें 5 इंच फुल HD 1080p डिस्प्ले दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले प्रोटेक्शन की, तो गोरिल्ला ग्लास आपको नहीं दिया गया दोनों फोन में, बट Redmi 4 में हमें 2.5D कर्व ग्लास दिया गया है। बट आप दोनों में से कोई भी फोन लो, दोनों में आप टेम्पर ग्लास जरूर लगवा लेना। रियर कैमरा दोनों में 13 MP मिलता है सिंगल टोन LED फ्लैश के साथ। फ्रंट कैमरा Redmi 4 में आपको 5 MP मिलता है एंड Lenovo K6 Power में 8 MP। Redmi 4 में बैटरी 4100mAh मिलती है और Lenovo K6 Power में 4000mAh। बैटरी बैकअप आपको दोनों में बढ़िया मिलेगा, बट Redmi 4 में आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि Redmi 4 में 720p डिस्प्ले है और K6 Power में फुल HD। दोनों ही फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आते हैं, या तो आप ड्यूअल सिम लगा सकते हो या एक सिम एक SD कार्ड। 4G वोल्टी आपको दोनों फोन में मिलता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। दोनों में आपको एंड्रॉयड मार्शमेलो मिलता है और Redmi 4 MIUI 8 के साथ आता है और Lenovo K6 Power वाइट प्योर UI के साथ। चलिए स्पेसिफिकेशन के बाद बात करते हैं प्राइसिंग की। Redmi 4 के 3 वेरिएंट लॉन्च हुए थे। 2GB रैम 16GB इंटरनल स्टोरेज 6999 में मिल जाता है, 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज 8999 में, और 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज 10999 में। बट 4GB वाला मॉडल जो है ये Amazon पे एक बार भी अभी तक सेल में नहीं आया। और Lenovo K6 Power के 2 वेरिएंट हमें मिलते हैं। 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज 9999 में मिलता है, और 4GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज 10999 में आप ले सकते हो। स्टोरेज हमें दोनों वेरिएंट में 32GB दी गई है। यहाँ मुझे लगता है प्राइस को देखते हुए 4GB रैम के साथ हमें 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलनी चाहिए थी। अब आपको इनमें से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? देखिए, अगर आप Redmi 4 नहीं ले पाते सेल में तो आप Lenovo K6 Power ले सकते हो। परफॉर्मेंस आपको बहुत बढ़िया मिलेगी, डिस्प्ले भी आपको फुल HD मिलता है, साथ में आपको साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है Lenovo K6 Power में क्योंकि Dolby Atmos के साथ ड्यूअल स्पीकर आपको दिए गए हैं। Redmi 4 का 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला मॉडल हमें 8999 में मिलता है। Lenovo K6 Power के लिए आपको 1000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। और अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप सोच रहे हो कौन सा फ़ोन लूँ,
तो मैं ये कहूँगा, अगर आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में है, आप म्यूजिक बहुत ज़्यादा सुनते हो, तो आप लेनोवो K6 पावर ले लीजिए। अदरवाइज रेडमी 4 भी आप ले सकते हो, क्योंकि रेडमी 4 में हमें 2.5D कर्व ग्लास मिलता है और साथ में मैट ब्लैक फिनिशिंग में बहुत ही प्रीमियम फ़ोन लगता है रेडमी 4। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन अच्छा लगता है और क्यों। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।